मुरादाबाद में एसएसपी ऑफिस के सामने अपनी बेटी की बरामदगी की मांग को लेकर 14 जुलाई से धरने पर बैठी मां का टेंट अब राजनीतिक मंच बनता जा रहा है। अलग अलग पार्टी के नेता इस धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। वहीं गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ता भी धरना स्थल पर पहुंचे और अपनी राजनीति चमकाकर चले गए। दरअसल मुरादाबाद के थाना मझोला इलाके में रहने वाली 13 साल की नाबालिग छात्रा लापता हो गई है। छात्रा की मां ने थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। बाद में महिला ने विष्णु शर्मा नाम के व्यक्ति पर अपनी बेटी के अपहरण का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस आरोपी और नाबालिग छात्रा का पता नहीं लगा सकी, जिसके बाद बेटी की बरामदगी की मांग को लेकर महिला 14 जुलाई से एसएसपी ऑफिस के सामने टेंट लगाकर धरने पर बैठी है। अब इसी टेंट में राजनीतिक पार्टी के लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहुंचने लगे हैं। तेरह साल की बच्ची की बरामदगी को लेकर अपराधी खुला घूम रहा है, पुलिस आगे बंद करी हुई है, प्रशासन आगे बंद करा हुआ है। अपराधियों को बीजेपी का समर्थन है, बीजेपी के नेता सपोर्ट कर रहे हैं, अपराधी खुला घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। महानगर कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस कमेटी, मुरादाबाद की जितनी भी कांग्रेस कमेटी फ्रंटर्स है, सब इतवार के दिन, वो पीर के दिन मंडे में एक ज्ञापन जिलाधिकारी जी को देगी और आगे भी सब कार्यकर्ता धीरे धीरे आ रहे हैं, बैठे हैं हम कचहरी पर और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लगभग 7 महीने हो गए हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देगा मंडे में और अपने धरना देगा, यहाँ जिला एसएसपी ऑफिस के सामने बैठकर मांग करेगा।